मैं एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जो मीठा भी है और खट्टा भी। अरे ताले मार दो, बता दे यार। जो जरूरत पड़ने पर एक मर्द भी बन जाता है और एक हॉट और सेक्सी लोंडिया भी। ये देखो, ये ब्यूटी बोन देखो फैंस। तो कौन सा रूप आपको दीपक का पसंद है, ये सेक्सी वाला रूप या फिर ये मर्दानी अंदाज? और कभी कभी तो इनकी हॉटनेस इतनी बढ़ जाती है कि पड़ोस के कुत्ते इन्हें देखकर कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं। दुनिया में ना भिन्न भिन्न प्रकार के टैलेंटेड लोग पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जिनके आगे टैलेंट होता है, मतलब मेरे घर की मोटर यहाँ तक प्रेशर नहीं मार पाती, और चाचा का प्रेशर देख रहे हो, कुछ तगड़ा ही सिस्टम फिट करवा रखा है। और एक बार जरा सोचो, चाचा ने यह हरकत बैठ कर की, अगर खड़े होकर कर देते तो कतई चाइना की दीवारें ढा दी जाती। और फिर आते हैं सुपर टैलेंटेड लोग जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह टैलेंट होता है। लेकिन ये गुब्बारे को मैं गुप्त हवा से भरूंगा, वो भी आपके सामने। इसकी तो गान भी टैलेंटेड है। हर एक माँ का सपना होता है कि अपना जो बेटा है, नहीं ये ही तो सपना होता है हर माँ का कि उसका बेटा बड़े होकर फ्रंटलेस पेटीकोट पहने। अब यार ये बात तुम्हें पता होगी कि लड़कियां होती हैं पापा की परियां। नहीं, सकल चाहे छिपकली जैसी क्यों ना हो वो तब भी परी कहलाती है, लेकिन ये है अपनी मम्मी का परा। वैसे तो मुझे हॉलीवुड से बहुत सारे ऑफर्स आए शादी के लिए, बॉलीवुड से भी ऑफर आए, है ना मम्मी? हाँ, सलमान ने भी इसे प्रपोज किया था लेकिन दीपक ने मना कर दिया। तो ऋतिक रोशन, सलमान खान, उनके भी मुझे रिश्ते आए। किसका रिश्ता आया था? तो ऋतिक रोशन, सलमान खान, उनके भी मुझे रिश्ते आए लेकिन मैंने मना कर दिया। अरे जोर से बोलो बेटी चोर। अरे सारे बोलो बेटी चोर। नहीं मतलब वो 50 साल का नौजवान इसीलिए आज तक खिला रहा है क्योंकि उसे किसी लोंडिया पर भरोसा नहीं हो रहा, और वो इस मादर परे के लिए रिश्ता भेजेगा। पर अगर चाहे तो मर्द बन सकता है और चाहे तो लड़की बन सकता है, लेकिन रियल जिंदगी में दीपक क्या है? क्या दीपक मर्द है या चका है? नहीं, इस बात का पता ना अभी तक नासा वाले नहीं लगा पा रहे कि ये कौन सी प्रजाति का बेटी चोर है। इसीलिए पिछले ही हफ्ते एडवांस टेस्टिंग के लिए इसकी गांड का सैंपल मंगल ग्रह भेजा गया। नहीं, ऐसी हरकतें करने के बाद फिर ये लोग बोलते हैं हम एंटरटेन कर रहे हैं। मतलब एंटरटेन करना और चूतिया बनाना आजकल एक ही बात हो रखी है। ये देखो हो गया। नहीं मतलब तुमने ऐसे कर दिया और नीचे लाइक और कमेंट देख रहे हो। मैं बता रहा हूं, अगर कोई लोंडा गलती से ऐसी हरकत कर देता ना तो उसके कमेंट बॉक्स में 3.5 गालियां पड़ती, एक बाप की, एक माँ की, एक बहन की और आधी छोटे वाले भाई की। अब यार इसके फैंस ना इससे भी ज्यादा टैलेंटेड है। गांड में झाड़ू डाल के मोर बन लेते हैं।
आतंकवादियों में दीपक कलार को ढूंढने आया हूँ और अपना नाच दिखाने आया हूँ। कि दीपक कलार के पास भी एक अच्छा खासा डिक है। हमारे समाज में बहुत सारे नामर्द हैं, छक्के हैं। अगर मैं मेरा डिक डोनेट करता हूँ तो भविष्य में वो मर